बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां शहर के मुंशी पुलिया चौराहे पर अवैध पार्किंग के कारण सड़क पर चलना दूभर हो गया है। चौराहे पर खड़ी पुलिस दोपहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाने वालों पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन सड़कों के दोनों ओर खड़े वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह सब तब है जबकि चौराहे से महज कुछ दूरी पर ही मेट्रो स्टेशन है। ऐसे में जाम लगता है तो कई लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, वहीं ऑफिस और स्कूल जाने में भी देरी हो जाती है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर अतिक्रमण होने से न केवल जाम होता है बल्कि कई बार मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इस समय मुंशी पुलिया चौराहे पर खड़े हैं, साथ ही साथ मुंशी पुलिया रेलवे स्टेशन भी है। वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर जो अतिक्रमण है वो आप देख सकते हैं, चाहे वो दुकानों का लगना हो, चाहे वाहनों का पार्क होना हो, और साथ ही साथ जितने टेम्पो हैं, ऑटो हैं, वो भी यहाँ पर साथ ही साथ मौजूद हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर देर शाम और सुबह के समय में अच्छी खासी जाम की स्थितियाँ होती हैं। और ये वाला जो मार्ग आप पूरा देख रहे हैं, बिल्कुल वही स्थिति है कि आप जो सड़क के किनारे देख सकते हैं कि दुकानें लगी फुटपाथ पर, फुटपाथ पूरा प्रभावित है। साथ ही साथ ई रिक्शा पूरे ओर खड़े हुए हैं, दोनों ओर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको दुकानें भी दिखने मिल जाएंगी, और उसके बाद पूरी जो बाइक खड़ी हैं, कार खड़ी है, यानी कि तमाम तरीके से यातायात को जो प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर। हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद, उनसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके से समस्याएँ होती हैं। समस्याएं का अब यहाँ रोड पर, यहाँ गाड़ी गड्ढा खड़ी रहती है, निकलने में ज़्यादा तकलीफ होती है, ये चीज़ होता है ना। यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, वहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे। हाँ, कुछ नहीं करते, करता ही तभी आज तक यहाँ कोई पुलिस वाला आके चालान नहीं। यहाँ खड़े रहते हैं खाली, ना इधर हटा सकते हैं ना उधर भगा सकते हैं। क्या है ये पुलिस वाले फिर खड़े होते हैं क्या? यहाँ खड़े रहते हैं और क्या करते हैं? पुलिस का भी काम जो केवल खड़े रहना है ना, तो इन लोगों को हटवाना, और चप्पा चालान से लेकर ई चालान की बातें होती हैं, अब तो फोटो चालान भी होने लगा, यानी कि इन सारे वाहनों का कोई फोटो चालान नहीं होता। और अगर कोई कांस्टेबल लगते भी हैं वो भी यहाँ पर केवल खड़े रहते हैं, जैसे तैसे करके अपनी केवल ड्यूटी पूरी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर केवल ड्यूटी पूरी करनी है तो आखिरकार लोगों को जाम से निजात कैसे मिलेगी? वीडियो जल्दी।